अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शकील। नाज़रीन, कुछ दिनों से बाजवा डॉक्ट्रिन, ये जो डॉक्ट्रिन टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी डिबेट इस पर हो रही है सोशल मीडिया पे, बड़े इस हवाले से जो है वो एक बहस छिड़ चुकी है। ये है क्या? आज एक आम एक आदमी के लिए भी उस पर्सपेक्टिव से हम चाहेंगे कि हम शो करें और उसको समझने की कोशिश करें। जो जो रीसेंट टाइम्स में और जो लिखा गया है आजकल के ही दिनों में, जो जो आर्टिकल सामने आए हैं और जो बाजवा डॉक्ट्रिन के हवाले से बताते हैं महज, जिससे लगता मालूम ये होता है कि अगेन जनरल बाजवा के लिए पाकिस्तान एक और जो जो तमाम नुकात की बात की गई है उस उन आर्टिकल्स में, उसको समझने के लिए कि जनरल बाजवा पाकिस्तान, एक वाइबल पाकिस्तान, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, एक पीसफुल पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान जो है वो चाहते हैं, और जो इस वक्त मौजूदा हालात में जो एक एक बहस छिड़ी हुई है और जिसमें हम एक एक हालात के तनाजुर में देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म पे भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगु हो रही है, बहुत ज़्यादा सवाल भी उठाए जा रहे हैं, हर केस के हवाले से अस्कुद नोटिस पे भी जो है वो सवाल जो है उठाए जा रहे हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इससे आया कि हम वाकई में इम्प्रूवमेंट की तरफ या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ, जो बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि असल में हमारे मुल्क में वो इम्प्रूवमेंट, वो सिस्टम में ओवरहॉलिंग आएगी किस तरह से, और ये नौबत, ऐसी नौबत जो है वो आ क्यों रही है। गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, हमने जो हालात देखे वो कुछ इस तरह से थे कि नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी को बैरून मुल्क ट्रैवल करने के लिए जो है वो इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद एक काफ़ी एक इमोशनल, एक वो एक सिंपथेटिक एक वेव जो है वो भी सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व की जा रही है, जिसमें आवाम जो है वो बिल्कुल चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क जो है ट्रैवल करें, नवाज शरीफ साहब अपनी एहलिया की अयादत के लिए जो है वो जाना चाहते हैं, जिनको उनको जिस पर उनको परमिशन ग्रांट नहीं हुई। इस पर भी ज़रूर सवाल करेंगे कि जब रिसेंट टाइम्स में जब उनको जाने दे दिया जाता था तो फिर दो दिन की उन्होंने बात की थी, रिक्वेस्ट की थी, वो क्यों रिजेक्ट हुई है। और सेकेंडली इसहाक डार साहब के भी अभी हाल ही में इसहाक डार साहब के कमेंट्स, फिर मारवी मेमन साहिबा के भी आजकल के जो ट्वीट्स हैं उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार, कॉलमिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं आप, डॉक्टर फ़ारूक़ सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार इफ्तिखार शिराज़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार शिराज़ी साहब। और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, आप सीनियर दिफाई तज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें ज्वाइन करा। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, ये जो मैंने जिस तरह से इंट्रोडक्शन में अपने बात की सर, ये जो बाजवा डॉक्ट्रिन के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है और एक आम आदमी इस वक्त परेशान नजर आता है कि आया के जो ये एक रिसेंटली जो पब्लिक की गई है, एकदम से एक एक, एक बॉम्ब की तरह ड्रॉप किया गया है इस डॉक्ट्रिन को, जिसमें डिफेंस से लेके फॉरेन अफेयर्स से लेके इकोनॉमिक पॉलिसी से लेके हेल्थ और एजुकेशन तमाम की पहलुओं और उसका बड़ा डिटेल सारे एस्पेक्ट्स का जो है वो हवाला भी उसमें दिया गया, ये है क्या सर? मतलब ये एक सेट ऑफ बिलीव्स है या एक एक रियल स्ट्रैटेजी के तौर पे नजर आता है? देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि ये हुआ क्यों, बाजवा डॉक्ट्रिन की हमारे सिस्टम के अंदर ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एक साइंस का असूल है, अंग्रेजी में कहते हैं नेचर एबहोर्स वैक्यूम, और उर्दू में ये हो जाएगा कि कुदरत खला को बर्दाश्त नहीं करती। तो जहाँ पे खला पैदा हो जाएगा, अब खला मैं बात कर रहा हूँ हमारे सियासी ढांचे में खला देख लीजिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से खला देख लीजिए, जो अंदरूनी हुक्मरानी किस तरह चल रही है, जो गवर्नेंस चल रही है उसमें खला देख लीजिए। तो जब खला आ जाती है तो फिर कुदरत फैसला करती है कि इर्द गिर्द की जो ताकतें हैं वो उस खला को पुर करने के लिए कुदरत के निज़ाम है वो अंदर भागते हैं, शायद फोर्थ या फिफ्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कहलाता है। तो एक तो खला बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आता है, हमारे सियासी ढांचे में खला नज़र आता है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के रिजीम के अंदर खला नज़र आता है। तो पहला एस्पेक्ट तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये डॉक्ट्रिन ये आनी चाहिए थी सिविलियन हुकूमत की तरफ से, हमें सिविलियन हुकूमत तो अपनी डॉक्ट्रिन बताए कि वो हुक्मरानी में इतने कमज़ोर हैं तो क्यों हैं, उनके पास क्या मंसूबा है इसको बेहतर करने का। अगर हम आइसोलेट हो रहे हैं दुनिया के अंदर, अगर अकेले रह रहे हैं, बाकी दुनिया के ममालिक हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, हमारे खिलाफ स्टांस ले रहे हैं, तो उसको बेहतर किस तरह करना है? डॉक्ट्रिन का मतलब यह है कि आपके मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल किस तरह करना। अब जो मैं समझा हूँ तीन या चार नुकाती जो बाजवा डॉक्ट्रिन जिसको आप कह रही हैं, उसमें एक तो उन्होंने कहा है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कि मैं जमहूरियत को और फ़रोग देना चाहता हूँ, उसका सपोर्टर हूँ, बड़ा सख्त किस्म का सपोर्टर हूँ। दूसरा उन्होंने एक कहा जो कहलाता है मोनोपोली ओवर वायलेंस, उसका मतलब ये है कि ये रियासत जो पाकिस्तानी रियासत है
इसके तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो तशद्दुद का हक होगा, वायलेंस का होगा, वो सिर्फ रियासत का होगा। इसका मतलब ये है कि गैर रियासती ताकतों को इस मुल्क में पलने बढ़ने की स्पेस नहीं दी जाएगी। तो ये बेसिकली एंटी टेररिज्म दहशतगर्दी के खिलाफ वाली डॉक्ट्रिन है कि इस मुल्क में जो हुक्मरानी है वो रियासत की होगी और कोई गैर रियासती ताकतें या इदारों को यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। तीसरा उन्होंने कहा कि जो हमसाया ममालिक हैं हम उनसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अब देखिए 23 मार्च इस दफ़ा इंडियन डिप्लोमेट्स को जनरल बाजवा साहब ने खुद से इन्वाइट किया और वो वहाँ पर आए, उन्होंने 23 मार्च की परेड में शिरकत की है। तो हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात इसमें, इसके खिलाफ हम क्या कह सकते हैं? ये सारी चीज़ें सिविलियंस की तरफ से आनी चाहिए थी क्योंकि हमने इन लोगों को वोट करके इलेक्ट किया और तो वो खला जाती है तो फिर ये फौजियों की तरफ से आना शुरू हो जाती है। ये सिविलियन साइड से जो है आप कहते हैं आनी चाहिए थी और जो कि आई इस तरफ से है। बट सर, और उसमें एक नुकता ये भी था कि भारत के साथ आने वाले टाइम्स में वो समझते हैं कि ताल्लुकात और वो भारत जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा पाकिस्तान से। अब आगे बढ़ते हुए इसमें एक और बात जरूर की गई है 18th अमेंडमेंट के हवाले से, जिसको एक मेजर कॉज समझा गया है वो इम्बेलेंस जो क्रिएट करता है फेडरेशन और आपके प्रोविंसेज में। शिराजी साहब, मुझे नहीं लगता मेरे ख्याल में कि उसके अंदर कोई ऐसी तरमीम की गई है जिससे हम समझते हैं कि फेडरेशन की जो एक रूह है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है, शिवाय ये कि मेरे ख्याल में इससे पहले 58 रूपी की एक बड़ी नापसंदीदा शिक मौजूद थी जिसमें जमहूरी निज़ाम के अंदर तमाम के तमाम अख्तियार एक तरह से प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं और किसी वक्त भी उस पार्लियामेंट को घर भेज सकता है। मेरे ख्याल में उसको बाहर चले जाने को बुरी बात नहीं है। अगर इस पर इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो तो मेरे ख्याल में कोई नाराज़गी ज़्यादा वैलिड नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी NFC अवार्ड के हवाले से भी अगर कोई बात की गई है, मुझे नहीं लगता कि वसाइल की तकसीम के हवाले से डॉक्टर साहब बैठे यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं जो बड़ी अनजस्टिफाइड हैं और लगता यह है कि उससे शायद जो फेडरेशन के जो यूनिट्स हैं उनके दरमियान किसी किस्म के तसादम या लड़ाई की कैफियत बनने जा रही है। तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं नज़र आईं कि 18वीं तरमीम के नतीजे में कुछ ऐसा किया गया है जो बिलखसूस फेडरेशन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि जो एक खला पैदा हुआ है उसको बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में एक फेलियर करा दिया जा सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। अगरचे इस वक्त तो उनका नैरेटिव तो ये है कि मुझे क्यों निकाला और वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फॉरेन फ्रंट्स के ऊपर जो हमारे हम जो एक आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं उससे हरगिज नहीं लगता कि गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखें, उनके अंदर आपको बहुत बड़े फ्लॉज नज़र आएंगे। हमारे एक्सपोर्ट्स कहाँ गिरी हैं, हमने IMF से जो $40 बिलियन के जो लिए हैं लोन्स, उन लोन को हमने डेट सर्विसिंग पे करने के लिए एक तरह से कर्ज़ उतारने के लिए लिए हैं। उसको डेवलपमेंट वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो काम करते हैं उसको आप अदालतों में खड़ा कर देते हैं, उसको काम नहीं करने दिया जाता है, काम ना करने वालों को जो है वो कहते हैं इज्जत दी जाती है, इनामात से नवाजा जाता है। नहीं, वो आइडेंटिफाई करें कौन से लोग ऐसे जो काम नहीं करने वाले और उनको नवाजा गया है। और जो आप कर रहे हैं, आप अपनी शीट खुद देखें ना, फैक्ट शीट को देखें ना, TV पे इश्तहार चलाने से या आप खड़े होकर तकरीरें करने से तो आप अच्छे नहीं हो जाते। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगेन वो डॉक्टर साहब का सब्जेक्ट है, आप इनसे पूछेंगे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ठीक है। मैं समझता हूँ हरगिज नहीं है। आप खुद बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन अपनी लाइफ के अंदर देखें कि आपके ऊपर बर्डन बढ़ा है कि कम हुआ है, जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं वो कहाँ जा पहुँची हैं। जब दुनिया भर में प्राइस नीचे आ रही थी फ्यूल की और लोग रिलीफ दे रहे थे, आपने उस वक्त भी लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला है। बिजली के जो कीमतें थीं आपके आने से पहले वो क्या थी और आपके आने के बाद कहाँ खड़ी हैं। आपने गैस के रेट्स कितने बढ़ा दिए, तो मेरा ख्याल में खुद आपको सोचना चाहिए। फिर फॉरेन फंड्स के ऊपर देखें, पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हुआ है तो क्या आप समझते हैं कि वो किसी एक इदारे की वजह से ऐसा हुआ है? वो आपकी अपनी पॉलिसीज थी ना। आज अगर वो रिपेयर वर्क कहीं से हो रहा है, ये आपको करना चाहिए था। इनफैक्ट अगर आज एस्टैब्लिशमेंट ईरान को एंगेज कर रही है, रशिया को एंगेज कर रही है, दीगर ममालिक को कर रही है, रीजनल अप्रोच एक अपनाई जा रही है कि पाकिस्तान को एक तो आइसोलेशन से निकाला जाए और मोर इंपॉर्टेंटली जो अफगानिस्तान का आपके इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए रीजनल पार्ट्स का क्या किरदार हो सकता है, मेरा ख्याल में ये काम आपको करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो फिर किसी ने तो करना है ये काम। राइट सर, ब्रिगेडियर साहब, सर क्या कॉमेंट करेंगे आप इस पे कि जो बाजवा डॉक्ट्रिन जो सामने आया है ये जनरल बाजवा के अपने उनके ख्याल या उनके वो अजम है या ये पूरी अकासी करता है मिलिट्री इंस्टीट्यूशन की? बात यह है कि इस खत्ते में इससे पहले अगर आप देखें तो इंडिया में सुंदर जी डॉक्ट्रिन आई जो बुनियादी तौर पे ऑपरेशनल ब्रास टैक्स से रीड करती थी,
या जनरल रावत की डॉक्ट्रिन आई जो टू फ्रंट वॉर। अब इसके कंपैरेटिव बेसिस पे आप देखें जनरल बाजवा की जो डॉक्ट्रिन है, एक तो बड़ी लो प्रोफाइल डॉक्ट्रिन है, पर अगर रूसी कमेंट करता है या कैथम हाउस ने कमेंट की या आईएसआईएस जो ब्रिटिश टैंक्स हैं, तो वहां पे बुनियादी तौर पे इन चीजों को इस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर रहा है और उनको काउंटर भी कर रहा है, और ये डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है जिसका उन्होंने बारहा ये इजहार किया कि अब हमने बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत कुछ, आपने कुछ करना है और अमेरिकन ने कुछ करना है। इसमें जनरल बाजवा की अपनी थिंकिंग भी है और उसके साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंटेलिजेंस है जो मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट की गई है। उन सोर्सेज में आप ओवर्ट सोर्सेज को भी काउंट कर सकते हैं, आप कोवर्ट सोर्सेज को भी काउंट कर सकते हैं। फिर इसका बेसिक नुक्ता जो है वो डील करता है इंटरनल स्टेबिलिटी से, और इंटरनल स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो आर्मी चीफ ये कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रियासत को हक है कुछ करने का, ये फ्रैंकिस्ट जो मॉन्स्टर जो रखे हुए हैं इनको कोई हक नहीं है। और इसको पॉइंट आउट किया जब उन्होंने रिसेंट अपना पिछले दिनों चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी अफगानिस्तान में, या उससे पहले बाद एक काउंटर टेररिज्म पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो अफगान रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं ये कॉन्स्टेंट थ्रेट हैं, और इसको हमारे जो हैं इंटेलिजेंस सोर्सेज भी कह रहे हैं कि अगर आप अमरीका या अफगानिस्तान आप पे किसी तरह हकानी नेटवर्क का या किसी चीज का इल्जाम लगाता है, तो पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ डॉक्ट्रीन पे जो ऑपरेशंस किए हैं उसमें जब उन्होंने गोली या गोला फायर किया, उसने नहीं देखा कि आगे मरने वाला हकानी नेटवर्क से ताल्लुक रखता था या आम कोई वो कायदा। तो अगर वो कुछ उसके एलिमेंट्स इन कैंपों में है तो आप इनको उठा के वापस दे जाए। तो वो भी वेस्ट को उन्होंने एक जो है मैसेज दिया है, और इसके ऊपर यूएनएचसीआर को भी काम करने की जरूरत है। चौथी एक और चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो है गवादर सी पैक के हवाले से, और आपको पता है सी पैक के हवाले से अभी चाइनीज की भी स्टेटमेंट आई है, और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली जो भी होगा लेकिन हम सी पैक को लेकर चलेंगे कि वन बेल्ट वन रोड जो है ये चाइना का एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, और इसकी सिक्योरिटी किसने ग्रांट की है, इसकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी ने एक डिवीजन पूरा रेस किया है जिसके टेंटिकल्स जो हैं वो गवादर से लेके एबटाबाद मानसेरा से होते हुए आपका पिशार और पिंडी और इस्लामाबाद तक फैले हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इकोनॉमिकली आपको आगे लेके जाएंगी। तो बड़े लो की प्रोफाइल में वो ये कह रहे हैं। आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि अब पाकिस्तान भी अमेरिका के प्रेशर के आगे जो है वो डट के खड़ा है, अब उस तरह वो सिचुएशन अब बदल चुकी है। बट बाजवा साहब के जो डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, क्या ये मुख्तलिफ है प्रीवियस मिलिट्री चीफ्स के टर्म्स को अगर हम उससे कंपेयर करें? प्रीवियस मिलिट्री चीफ जो है जनरल राहिल से लेके जनरल अशफाक परवेज कियानी तक, वो अमेरिकन आर्मी के साथ या पेंटागन के साथ या सीआईए के साथ डायलॉग्स और उन एक्सप्लेनेशंस पे और अपनी चीज को एक्सप्लेन करने में और उनसे कोऑपरेशन मांगने पे जो है एम्फेसाइज करते थे। दो पाकिस्तान आर्मी ने जितने ऑपरेशन किए सवात से लेके ज़र्ब अस्त तक, उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं था जिसमें आप कहें कि सिवाय इंटेलिजेंस के, वो भी जो सेटेलाइट तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान के जो जितने बॉर्डर एरियाज में हैं वहां पे अमेरिकन को हमने एक पैसेज ग्रांट किया हुआ था जहां पे उनका सेटेलाइट कवरेज होता था, उसके अलावा बाकी तो हमने खुद किया। लेकिन उसके बावजूद जब अमेरिकन ने आपको मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस में मुख्तलिफ मीटिंग में ये कहा कि आप डू मोर और आपकी सेक्रीफाइसेस तो हैं, लेकिन तो उसका जवाब ये नहीं आया कि जी हमने बहुत कुछ कर लिया है, हमने 70,000 लोग शहीद करवा दिए हैं, 4,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद करवा दिए, अब ये जो चीज है और इतना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, अब ये चीज कैटेगोरिकली आर्मी की तरफ से कन्वे हुई, आर्मी चीफ की तरफ से बारहा कन्वे हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आप बाजवा डॉक्ट्राइन का सिर्फ अमेरिकन जो है यूएसए और पाकिस्तान रिलेशनशिप में ले तो वो बड़ा मायोपिक सा व्यू होगा। ये जो वो चीजें कह रहे हैं बड़े लो प्रोफाइल में रह के और पीछे रह के, और जिस तरह उन्होंने बारहा ये श्योर कराया है, और मुझे ये पता है
आई नो इज नेचर, मुझे पता है कि वो कितने अपनी सर्विस के दौरान भी, जब वो कोर कमांडर थे उस वक्त भी, जब वो इन्फेंट्री स्कूल के कमांडर थे उस वक्त भी, जब वो लोगों से बातचीत करते थे तो हिज एम्फेसिस यूज टू बी कि जी सिस्टम को चलना चाहिए और जमहूरियत जो है उसको आगे चलना चाहिए और उसमें जो है डेवलपमेंट आपकी हो, उसी के अंदर आर्मी भी एक किरदार अंजाम दे। तो ये उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेड जो है मुझे ये इस डॉक्ट्रिन के अंदर भी नजर आ रहा है और ये कैटेगरी डील करता है पाकिस्तान के इंटरनल हालात से। और किस तरह जब आप इंटरनली इकोनॉमिकली वायबल होंगे, मिलिटरली होंगे, अब देखिए जो टर्की के साथ जो हमारी हेलीकॉप्टर्स की डील चल रही है या कल हमने रशियन हेलीकॉप्टर जूलो फ्लाई किया है, ये चीजें आपकी मिलिट्री जो कॉपरेशन उसको बढ़ाएंगी। तो ये जो स्टेबिलिटी है जो पॉलिटिकल भी होनी है, जो इकोनॉमिक भी होनी है, जो मिलिट्री भी, ये वो चीज है जो मेरा ख्याल इस डॉक्ट्रिन और यही वक्त की जरूरत है। अगर आप पाकिस्तान की जो तंकीद की जा रही है वो इन इदारों के हवाले से ये तंकीद की जाती है कि ये शायद सिविलियन गवर्नमेंट की जो डोमेन है उसको ओवर स्टेप कर देते हैं। मैं डॉक्टर परवेज उदबोई को भी मैं वेलकम करना चाहती हूँ शो पे और ही इज पार्ट ऑफ द शो, ही इज जस्ट जॉइंड अस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर परवेज उदबोई साहब, हम लोग बात कर रहे थे अभी डिस्कशन का आगाज हुआ और बाजवा डॉक्ट्रिन जो कि उस पर बहुत बहस अभी इस वक्त छिड़ चुकी है उस पर ही हम गुफ्तगू कर रहे थे और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने भी कहा कि ये जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो है एक फेलियर नजर आता है, इवन दो कि ये स्पेस या ये खला जो है वो पुर होना चाहिए सिविलियन साइड से, जो कि हम देख रहे हैं कि बाजवा डॉक्ट्रिन के एक सूरत में एक शक्ल में जो है वो सामने आया है। आप समझते हैं कि सर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की फेलियर है जिसकी वजह से इस किस्म की नौबत हम इस वक्त देख रहे हैं, और जो दीगर इदारे हैं सर जहां पे मिलिट्री जुडिशरी सिक्योरिटी एजेंसीज की जहां पर बात की जाती है, क्या इनका हमारे सिविलियन मैटर्स और पॉलिसी पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट लेना, क्या ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न, इसको कंसिडर किया जाए? देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा कभी पनप नहीं सका शुरू दिन से, और यहाँ चार मार्शल लॉ से हम गुजरे हैं, हम सभी जानते हैं कि उन इतवार में क्या कुछ हुआ। अब सवाल यह है कि जमहूरियत को, डॉक्टर साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है, मैं चाहूँगी कि आवाज़ ये सॉर्ट आउट हो जाए। डॉक्टर साहब कतकलामी की माफ़ी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आवाज़ सॉर्ट आउट हो जाए, डॉक्टर साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही। जी डॉक्टर साहब, ऑडियो नहीं पहुँच रही है, ऑडियो नहीं पहुँच रही है। जी जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। अब आ रही है? जी जी। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा नहीं पनप सका और ये शुरू दिन से है। हमने चार मार्शल लॉ के दौर देखे और अब भी जब मार्शल लॉ नहीं है तो पसे पर्दा फौज का बहुत बड़ा किरदार है। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं, इसलिए कि जब आवाम वोट देते हैं तो वो किसी मुंतखब हुकूमत को देते हैं और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और एक गोल के तहत देते हैं, जबकि फ़ौज का अपना एक नुक्ता नज़र होता है और वो सिर्फ़ अपने इदारे के फ़ायदे को देखते हैं। ये बात तो आज हमारे सामने बिल्कुल आया है कि फ़ौज एक दरअसल खुद गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट है। तो क्या इसके होते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत कभी आगे बढ़ सकेगी, और ख़ास तौर पर जब ऐसे मामलात पर ख्यालात का इजहार किया जा रहा है कि 18वीं तरमीम को हल्का किया जाए या ये एक गलत फैसला था। ये मेरा ख्याल है फ़ौज का काम हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ये तो एक मुंतखब हुकूमत का फ़ैसला है, अवाम का फ़ैसला है। और देख लीजिए, अब जो हम FATF के लिस्ट पे चढ़े हुए हैं, हमें पता है कि इसका पस मंज़र क्या है, कि एक अरसे दराज से पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत ये फ़ौज से कहती आई है कि ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, और अब जो हम करते आए हैं इससे हाथ रोककर हमें एक दूसरे रुख पर चलने की ज़रूरत है, मगर अब तक सुनने वाला नहीं है या फौज में कोई ऐसा सुनने वाला नहीं है, और ये खिंचाव ये तनाव अब बढ़ गया है उसकी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि फौज को वही करना चाहिए जो उसका काम है, यानी कि सरहदों का दिफा है। आखिर इस मुल्क में, इस मुल्क को चलाने वाले
बहुत काबिल लोग मौजूद हैं, उन्हें मौका दिया जाए। सर, तो आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में भी, आपने जिस तरह से कहा कि पसे पुश्त फौज जो है वो किरदार अदा करती रही है, मौजूदा हालात में भी ये किरदार जारी है? वाज़े है कि जब से वो डॉन लीक्स का किस्सा मालूम हुआ और फिर उसके बाद जो हमने देखा कि FATF हमारे सामने आया, एक तरफ तो हमारी फॉरेन ऑफिस है जो जिसकी पूरी कोशिश है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान को इस मुसीबत से बचाया जाए कि अगर हम पर यह पाबंदी लगती है और इसके नतीजे में फिर आप देखें कि तरह तरह के मुज़िर असरात सामने आएंगे। मिसाल के तौर पर अब हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत खासी बढ़ गई है, अब 115, 116 तक पहुंच गई है, जबकि पहले 105 हुआ करती थी बस आज से कुछ महीने पहले। तो ये इस बात का नतीजा है कि अब बाहर वाले जो हैं वो हमें बहुत शक की नज़रों से देख रहे हैं, और हमारे अपने जो हलीफ मुल्क हैं जिसमें चीन और तुर्की भी हैं, वो भी हमारा साथ देना नहीं चाह रहे हैं। और अगर ये हम सिर्फ हुकूमत के ऊपर छोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। राइट, बट सर, हुकूमतों को, जमहूरी हुकूमतों को कौन रोकता है परफॉर्म करने से? किसने उनको उनके हाथ बांधे हैं? चार पांच साल और अभी के दरमियान देखा गया, या आप समझते कोई इम्बैलेंस इससे क्रिएट नहीं हुआ? डॉक्टर पाशा ने भी आई रिमेम्बर इस पे कॉमेंट बड़े खुल के किया था कि कोई इससे बैलेंस की सिचुएशन जो अब तनकीद जिस तरह की जा रही है। 18th अमेंडमेंट में मैं आ जाता हूं, अगर आप ज्यादा संजरानी डॉक्ट्रिन में पहली चीज़ तो ये हुई कि पीपल्स पार्टी का जो नारा था वो बदल गया, अब उनका नारा है हर घर से संजरानी निकलेगा। ये देखिए, PMLN के पास 34 सेनेटर थे, वहाँ पे सबसे बड़ी सियासी जमात, अपना लीडर जो है चेयरमैन सेनेट नहीं इलेक्ट कर सकी। पीपल्स पार्टी के पास 20 थे, वो अपना लीडर, तो लीडर कहाँ से आता है? एक आज़ाद बलूचिस्तान से, आजाद नुमाइंदा बलूचिस्तान से आया। तो ये संजरानी डॉक्ट्रिन जो है, थे कि ये जो खारजा पॉलिसी हमारी, ये तो सिविलियन साइड कभी डिसाइड नहीं करते, ये तो फौज की बनाई हुई है जिसमें हमारे ताल्लुकात इस वक्त इतने वो फ्रिक्शन नजर आती है दीगर ममालिक के साथ हमारी रिलेशंस में। भाई कहने को आप जो मर्जी कह दे, कोई चेक थोड़ी होता है पाकिस्तान में। अब चाइना की मिसाल अगर आप ले तो चाइना की जितनी ये वन बेल्ट वन रोड या जो पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी चली है, वो चाहे फौजी हुकूमत रही या सिविलियन हुकूमत रही, वो उनके साथ दोस्ती का कारोबार चलता रहा। और अभी जो ये वन बेल्ट वन रोड जो है या गवादर, इसका क्रेडिट कौन लेता रहा? इसका क्रेडिट या जरदारी साहब लेते रहे या नवाज शरीफ साहब लेते रहे? और उन्होंने कितनी मीटिंग्स की? जरदारी साहब कितनी दफ़ा चाइना गए? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा चाइना गए? तो ये कहना कि तमाम चीज़ें, ये मेरा ख्याल लोगों को मिस गाइड करने के मुतरादिफ है, जो आपकी अपनी जहन की सोच होती है और ग्राउंड रियलिटी से रिलेट नहीं करती। आप ईरान के अभी मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान की मदद से 2 सुसाइड अटैक जो हैं वो थवार्ट किए हैं। ईरान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रोलर कोस्टर के तौर पे चलते रहे हैं, लेकिन ये भी देखिएगा कि पाकिस्तान ने 2 जंगें लड़ी और उन दोनों जंगों में पाकिस्तान ने वहाँ पर कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की। और आज की तारीख तक ईरान की सरहद पर अगर किसी ने जाके देखा हो तो वहां सिर्फ FC की चेक पोस्ट के अलावा कोई फिजिकल डिप्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए कि ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप इस लेवल पे चल रही है। हाँ, वो खराब हुई थी जिस वक्त वहां पे कोई 1-2 अटैक हुए थे। अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान के रिलेशन खराब हुए हैं तो कहने वाले ये क्यों नहीं कहते कि जब वहां से इतने लाख मुजाहिदीन या इतने लाख यहाँ पे अफगानी आके रहे और यहाँ पे जो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ने महाजीन का जो वो बोझ बर्दाश्त किया, तो वो अफगानिस्तान पे एहसान था या पाकिस्तान पे एहसान था? पाकिस्तान को ब्लेम करने से पहले ग्राउंड पे देख लिया करिए क्या है। ये कह देना कि जी अफगानिस्तान को हमने अनॉय किया है, तो अफगानिस्तान के अंदर जो लीडरशिप बैठी है उसने खुद क्या किया है? अफगानिस्तान के अंदर जो सुपर पावर्स का रोल रहा है वो क्या क्या? ब्रिटिश MI6 जो है वो अहमद शाह मसूद को सपोर्ट नहीं करती थी? तो वो जो चीजें, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ क्या किया है? चाइना की ओपनिंग पाकिस्तान ने अमेरिका को दी थी, इस्लामाबाद से फ्लाई किया था उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने।
पाकिस्तान ने सोवियत अमेरिका के साथ जंग, हम हर जगह पाकिस्तान को कॉर्नर कर देते। और यहाँ पे ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी ना, जिन्होंने वजीर खारजा नहीं लगाया, तो पॉलिसी किसने बनानी थी, क्यों नहीं लगाया वजीर खारजा? नवाज शरीफ साहब ने 71 दौरे किए बाहर के बजाते खुद, जिनके अंदर उन्होंने खारजा पॉलिसी को बिल्ड करने की कोशिश की, तो आपको किसने रोका था, किसने हाथ रोका था वजीर खारजा ना लगाएं? पीपल्स पार्टी के जमाने में जहां रीना रबानी खर थी, वो मुख्तलिफ ममालिक में जाती थी पाकिस्तान का केस, तो ये कहना कि जी फौज पॉलिसी बनाती है, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। और ये होती है म्यूटिलेटेड फैक्ट्स के लिए। मैं जरूर उनका कमेंट शामिल करूं। जी डॉक्टर परवेज उद्वाई जी, ब्रिगेडियर साहब ने ये फरमाया कि पाकिस्तान में तो हमने किसी अस्करी ग्रुप को, किसी मिलिटेंट ग्रुप को सहारा नहीं दिया। अब मसला यह है कि वो खत्म हो गया ना, ब्रिगेडियर साहब तो ये जरूर ये कह सकते हैं, मगर दुनिया ये नहीं मानती, क्योंकि जगह जगह इसका सबूत हमें मिलता है। आप जरा देख लीजिए कि जब उरी में हमला हुआ था हिंदुस्तान की फौज के ऊपर, तो उसके बाद जो नमाज जनाजा है वो गुजरांवाला में पढ़ाई गई, और पढ़ाने वाला हाफिज सईद था। एक किताब आई है बिट्रेयल ऑफ इंडिया, यहाँ जमात दावा, यहाँ फलाए इंसानियत, वहाँ एक किताब आई है बिट्रेयल ऑफ इंडिया। डॉक्टर साहब वो किताब पढ़ लीजिएगा कि उड़ी में और ताजमहल में किसने हमला किया, प्लीज वो किताब पढ़, वो एक यहूदी ने लिखी है, वो आपका नैरेटिव को साबित कर देगी कि वहां पर जो हमला हुआ था और उड़ी में वो किसने करवाया था। जी जी, माजत के साथ, जो फेसबुक के ऊपर तस्वीर लगी थी गुजरांवाला में हाफिज सईद के बड़े बड़े पोस्टर, वो हमारी गवर्नमेंट ने एफआईआर कराई थी, जनाजा फला वक्त पढ़ाई जाएगी उरी के। जी तो जब बड़े बड़े उधर इश्तेहार लगाए जाएंगे, तो फिर आखिर ये किसी की शरारत नहीं है, ये तो एक मुंह बोलता सबूत है ना कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद ने यहाँ अदालतें भी कायम की हैं 5 मुख्तलिफ शहरों में। जमात दावा फलाही इंसानियत बहुत बड़े इदारे हैं, और अब हुकूमत पाकिस्तान ने उनके ऊपर कहने को तो अब कुछ पाबंदियाँ भी लगाई हैं। अगर पाबंदियाँ लगाई हैं तो आखिर उसका जवाब क्या बनता है? क्या उन्होंने गलत किया पाबंदियाँ लगा कर? मुझे इसका ज़रा जवाब दीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि कुछ चीजें हैं जो प्रॉक्सीज के तौर पे अमेरिका डेवलप करता है। जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग हुई थी ना, जब कहते थे कि पाकिस्तान गया था, तो उससे पहले 6 महीने पहले आज की बात 500 मिलियन डॉलर सेंक्शन। आज इंडिया के अंदर 6 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, आरएसएस से के मां भारत, वो दलित को भी मार रहे हैं, मुसलमानों को भी मार रहे हैं। उनका क्यों नहीं अमेरिका कहता कि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है? क्योंकि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है, तो यहाँ पे हाफिज सईद भी है, यहाँ पे बाकी भी टेररिस्ट ग्रुप है। हमारे आप बिट्रेयल ऑफ इंडिया अगर किताब उठा के पढ़ लेना जो एक यहूदी ने लिखी, उसने कहा है कि ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया की रॉ और अमेरिका और बाकी ऑस्ट्रेलियन तक का उन्होंने नाम दिया है। वो क्या झूठ बोल रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, हम सब मानते हैं कि वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि क्या जो हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई की है वो गलत है कि नहीं? पाकिस्तान हुकूमत कारवार ने, हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया के प्रेशर पे कार्रवाई की है। हाफिज सईद किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, उसकी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो कश्मीर जहाद के अंदर है, और कश्मीर जहाद एक लीगल कॉज है। कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ईस्ट तैमूर में अगर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल सकता है तो कश्मीर में फिर आपने मेरी बात साबित कर ली ना। मैं कह रहा हूँ कश्मीर स्ट्रगल कोई दहशत जमीनी हकायक की बात करते हैं, फलसफे से थोड़ा सा हट जाएं कि क्या आइडियली होना चाहिए। अभी ये कहा गया कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो फौज बनाती है। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि अली जहांगीर सिद्दीकी को क्या जीएचक्यू ने अपॉइंट किया है?
इतने इंपॉर्टेंट मुल्क में जा रहे हैं, या फॉरेन पॉलिसी फौज बना रही है, या अली, अगर तो अली जहांगीर सिद्दीकी को जीएचक्यू से नाम आया था और उन्होंने अपॉइंट करवाया तो फिर तो यकीनी बात है कि फौज फॉरेन पॉलिसी बना रही है। दूसरे आ जाइए आप जो इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं, जो माशी हकाइक हैं, देखिए 10 साल की जमहूरियत हमने जी ली, 2008 में हर पाकिस्तानी बच्चा बूढ़ा मर्द और औरत पे 40,000 रुपये का कर्जा था, यानी कि 61 सालों में हमने 40,000 कर्जा हमारे ऊपर डाला, और 5 साल रहे पीपल्स पार्टी हुकूमत की, हम 40,000 से 80,000 पे पहुंच गए। अब 5 साल पूरे होने आ रहे हैं पीएमएलएन के, हम 80,000 से 1,30,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। हर पाकिस्तानी बच्चा मर्द बूढ़ा औरत के ऊपर इस वक्त 1,30,000 का, ये हमें फौज कहती है कि आप कर्जे लिए चले जाएँ। अब सोचिए, हमने $25 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी 5 साल पहले, आज 20 पे गिर गई है, हमें फौज ने जीएचक्यू ने हुक्म दिया है कि आप एक्सपोर्ट इतनी तेजी से गिरा दें। $35 अरब का तजारती खसारा पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुआ, ये फौज की वजह से यहाँ पे खसारा हो गया। ये देखिए, ये फौज ने कहा था सियासतदानों को कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करें और एवरफील्ड में जाके अपार्टमेंट खरीद लें, ये फौज इनको रोके हुए है कि ये जवाब नहीं दे रहे कि हमारा मनी ट्रेल क्या है। हर जगह इसको मनी ट्रेल उन्होंने रोक के रखा है, आप जवाब दे दें। सिर्फ सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपके पास ये अपार्टमेंट्स हैं, इसकी मनी ट्रेल कहाँ से आई, इसके पैसे कहाँ से आए, ये फौज इनको रोके बैठी है कि इसका जवाब नहीं देना। देखिए, हमको अंदरूनी तौर पे देखना, एक तो अंदरूनी तौर पे हम बिल्कुल जमहूरियत नहीं चाहते किसी भी पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर, चाहे वो पीटीआई हो, वो चाहे वो पीएमएलएन हो, बिल्कुल वो। बट सर, एक जो शिराजी साहब ने एक जो नुक्ता उठाया था कि वे फॉरवर्ड क्यों नहीं दिया जाता इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, इवन पैनामा केस के मामले में बारहा जुडिशरी ने वो अपने वर्डिक्ट में सामने जो बात नजर आती थी उसमें ये था कि आपके FBR, आपका FIA, आपका NAB जो है वो मतलब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, उनके ऊपर इतना बड़ा दाग जो है वो सामने नजर आ गया, जीएसक्यू ने रोक के रखा हुआ है। बट सर, क्यों नहीं उनको एडवाइस किया जाता, या डायरेक्शन, अगर सिविलियन गवर्नमेंट के पास डायरेक्शन नहीं तो डायरेक्शन तो दी जाए, वे फॉरवर्ड तो बताया जाए कि आगे इनको इदारों को सही के लिए क्या करना चाहिए, ये उल्टा उठा के रेफरेंसेस नैब में भेज दिए गए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी एयरलाइन है, बड़े मुनाफे में चल रही है, तो जो रियासती एयरलाइन है वो 45 अरब रुपए का नुकसान क्यों करती, जो स्टील मिल का पेशा है वो स्टील मिलें कितनी है हमारे हुक्मरान खानदान की, वो बड़े मुनाफे में चलती हैं, ये पाकिस्तान स्टील को क्या हो जाता है सर। वो और वो जो मजाक में उन्होंने बात की कि मुफ्त में, शिराजी साहब किसने रोका है, अगेन जो अलार्मिंग पिक्चर जो इस वक्त डॉक्टर साहब ने दिखाई, एक्सपोर्ट्स गिर चुके हैं, कर्जा आपने हदें उबूर कर दिया आपकी सिविलिंग गवर्नमेंट से, आपको जीएचक्यू कह रहा था ये करने को। डॉक्टर साहब की बातें सारी दुरुस्त हैं, लेकिन ये स्टील मिल और PIA मुशर्रफ के 10 सालों में भी खसारे में रही है, उस वक्त फौजी इक्तदार था, एक फौजी बैठा था, वो मामला चला रहा था, तो मेरे ख्याल में तमाम मामला का सियासतदानों को, तो डिक्टेटर था ना सर, वो भी दुरुस्त नहीं है, वो भी दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में अगेन हर तरफ खराबियाँ मौजूद हैं, उनको ठीक होना चाहिए, हर इदारा अपने दायरे कार में रह के काम करेगा तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे। हाँ, मेरे ख्याल में सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी का बेहतरीन तरीका इलेक्शन ही है ना, इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। अगर इस मुल्क की पार्लियामान 18वीं तरमीम पास करती है तो आवाम के नुमाइंदों ने किया, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इस मुल्क की पार्लियामान अगर ये कहती है कि हमें सऊदी अरब के मामले में यमन की जंग में नहीं घुसना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, और करारदादें मंजूर होती हैं, बट यहाँ आप दर पर्दा फिर वहाँ पर फौजी भिजवा देते हैं और ये भी साथ में कहते हैं कि वो कहाँ पर डिप्लॉय होंगे, ये भी नहीं बताएंगे आपको, तो मेरे ख्याल में जहाँ आप सियासतदानों को कसूरवार ठहरा रहे हैं वहाँ पर कुछ कसूर बाकी लोगों का भी है। अगर मामलात खराब आज हो रहे हैं, सियासतदान क्यों मेरे ख्याल में पैसे हो जाते हैं, वजह ये एक उनको लगता है कि हम जब कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। जब इंडिया के साथ मामला, जैसे उन्होंने भी बात की है कि हम मामलात आगे बढ़ाते हैं तो कभी मुंबई अटैक्स आ जाते हैं, कभी पठानकोट आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस दें सियासतदानों को, उनको डिलीवर करने दें, अगर नहीं करेंगे तो फिर अगेन इलेक्शन। और सर, ऐसे हालात में डॉक्टर परवेज भाई, ऐसे हालात में जो जुडिशियल एक्टिविज्म की वेव देखी जा रही है सर, वाया सुओ मोटो नोटिसेस, आप समझते हैं ये इंप्रूवमेंट की तरफ या एग्जीक्यूटिव को कुछ अपने प्रॉब्लम्स फिक्स करने की तरफ जो है वो लेके जा सकती है? देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म एक हद तक अच्छी बात होती है, लेकिन इसको एक हद के अंदर रहना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म से आप सड़कों की सफाई नहीं करवा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि कराची को 5 दिन के अंदर बिल्कुल पाक और साफ शहर हो जाना चाहिए, जबकि आप जानते हैं कि जो मसाइल हैं वो बहुत बड़े हैं, इनके ऊपर सालों तक प्लानिंग करने की ज़रूरत है, तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की उस पर मैं लौटना चाहता हूँ। देखिए, ये सिर्फ यमन की बात नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि यमन का तस्करा किया। एक और बहुत अहम बात है,
2010 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था एटमी असलहे के ऊपर कि इनको कि इनका कमांड और कंट्रोल कैसे किया जाए। अब 8 साल हो गए हैं, सेनेट ने बार बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये कहा है कि हमें बताओ कि उस बिल के अंदर है क्या, कि उसको अब एक पार्लियामेंट के सामने सेनेट के सामने पेश होना चाहिए। तो वजारत दिफा ने कहा कि हाँ इसके लिए हमें इन कैमरा सेशन होना चाहिए, यानी कि खामोशी से कैमरा से दूर होकर। लेकिन 8 साल गुजर गए, अब तक किसी को कुछ पता नहीं कि कमांड एंड कंट्रोल के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। मगर ये तो एक मिसाल है और बहुत सी मिसालें हैं। तो अब हमें ये फैसला करना होगा आया कि इस मुल्क को चलाने में फौज का कितना किरदार होना चाहिए, जो है वो जमहूरियत के साथ मेल नहीं खाता। राइट सर। ब्रिगेडियर साहब, जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात की जाती है सर, वो बेहतर होती भी नजर आ रही है आने वाले टाइम्स में? जो इस वक्त मौजूदा हालात नजर आते हैं उसमें तो आवाम जो है वो परेशान ही होते हैं इसके हवाले से सोचकर। देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा कि कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ना न्यूक्लियर एसेट्स का, इसके हिसाब से 12 कॉन्फ्रेंसेज हुई है, वियना में हुई है, ब्रसल्स में भी हुई है, और यूएन की जो अपना ये जो अपना इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनकी भी कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें बाद जगह पे ये रिमार्क्स आए हैं कि दुनिया को वो मॉडल फॉलो करना चाहिए यूएन कमांड ये अपना न्यूक्लियर एसेट्स की कमांड कंट्रोल अथॉरिटी जो पाकिस्तान ने इम्पोज किया है, और इंडिया पाकिस्तान से उस रेटिंग में नीचे है। और न्यूक्लियर कमांड का जितना स्ट्रक्चर है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें क्या होगा, लेकिन वो बड़ा इफेक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे सिविलियन साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। अभी समर अभी रिटायर हुए हैं बर्नी साहब, और उसके साथ जितने अदारे हैं उसके अंदर बहुत सारे फौजी नहीं हैं, उसमें सिविलियंस काम कर रहे हैं, सिविलियंस लोअर लेवल तक काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो आपने की इम्बैलेंस, तो इम्बैलेंस देखिए ना, बैलेंस अगर इसके बाद 2 टेन्योर गुजारने के बाद भी अगर आप ये कहें कि इसमें सिक्योरिटी इम्बैलेंस है, तो जहाँ तक इनपुट का ताल्लुक है, जैसे यमन की बात हुई, तो यमन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का टोटल जो है ना कोई 2 ब्रिगेड प्लस है जो किसी भी तरीके से ऑपरेशनली डिप्लॉयड नहीं है। और ये भी सोचिएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की मिलिट्री कोलैबोरेशन 2017 में शुरू नहीं हुई है, वो कोई 1970 से जारी है, और वहां पे मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट पे एयरफोर्स के भी इंस्ट्रक्शंस के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग के लिए, और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग के लिए जो फोर्सेज होती है वो सऊदी अरब पाकिस्तान से मांगता है। तो वो एक कोई ऐसा चीज नहीं टूट। राइट ब्रिगेडियर साहब, आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप, अनफॉर्चुनेटली वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर परवेज उदबई, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।